एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं। क्या हाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और हर बंदा रोज़े रख रहा है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जब हम लोग इबादत करते हैं तो इबादत में खुशनूदी भी होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों को दिल से इबादत करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग दिल से इबादत नहीं करते। क्या ऐसी वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जल्दी जल्दी अपना टाइम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द नमाज़ पढ़ के हम लोग सुकून की तरफ चले जाएं। और भाई, जबकि हमें पता है कि सुकून तो नमाज में है, सुकून तो अल्लाह ताला की इबादत करने में है, यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, दिल से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इससे हमें ही फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि अब तीसरा अशरा शुरू होने वाला है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट अशरा है पूरे रमज़ान शरीफ का। उसमें क्या होता है कि हम लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, और जब हम लोग एतकाफ़ में बैठते हैं तो ये नियत करके बैठते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करना है और बाहर की दुनिया से अपना ताल्लुक ख़त्म करना है। और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस्लामिक किताबें उनकी स्टडी करें, कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और तकबीर ओला के साथ हर नमाज को अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर माफ़ी मांगें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला जो रमज़ान है शायद हम देख सकें या ना देख सकें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक एक वक्त की हमें पता है कि क्या वैल्यू है और हर वक्त को हम लोग कीमती बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करके, अल्लाह ताला को राज़ी करके बना सकते हैं। और इसके अलावा जब रमज़ान शरीफ ख़त्म हो रहा होता है और ईद शुरू हो रही होती है तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, गरीबों का एहसास करना है। देखिए, हर बंदा अपनी तौफीक के मुताबिक किसी एक बंदे की अगर हेल्प कर ले तो वो लोग जो बेचारे सारा साल खुशियों को तरसते हैं वो भी अपनी अच्छी ईदी बना सकते हैं हमारी हेल्प की वजह से। वो हम कैसे करेंगे? एक तो हम लोग ज़कात या फितराना की सूरत में हेल्प कर सकते हैं, और आपको मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने ज़कात या फितराना उन लोगों को देना है जो लोग वाकई इसके लिए डिज़र्व करते हों। ये ना हो कि हम लोग उन लोगों को दें जो डिज़र्व ना करते हों और जो डिज़र्व करते हों वो बेचारे रह जाएँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखना है, अपने महल्ले में देखना है, और उसके बाद तीसरी जगह पे जाके देखना है, क्योंकि सबसे पहले हक आपके रिश्तेदारों का होता है, जो आपके रिश्तेदारों में गरीब लोग होते हैं। उसके अलावा फिर अगर आपके रिश्तेदारों में नहीं है तो फिर आप लोगों ने अपने महल्ले में देखना होता है कि कौन सी फैमिली ज़्यादा गरीब है, जो लोग ज़रूरतमंद भी हैं लेकिन वो अपने आप को शो नहीं करते। तो हम लोगों ने खामोशी में किसी को बताए बगैर उनकी हेल्प करनी है, ताकि वो लोग भी अपने बच्चों के साथ अच्छी ईद गुजार सकें। और अगर कोई गरीब आदमी होता है या गुर्बत में उसकी ज़िंदगी शुरू होती है और उसकी ज़िंदगी गुर्बत में ही ख़त्म हो जाती है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। किसी को अल्लाह ताला अमीर बनाकर इस दुनिया में भेजते हैं और किसी को गरीब बनाकर, फिर अल्लाह ताला ये देखते हैं कि गुर्बत में मेरे बंदे ने मेरा कितना शुक्र अदा किया और जब उसके पास दौलत थी तो उसने मेरा किस तरह शुक्र अदा किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है, हम लोगों को गरीबों की भी साथ साथ हेल्प करनी है, ताकि हमारे साथ वो भी अपनी जो खुशियां हैं चंद खुशियों को अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो देखें, हम लोगों की जो दौलत है, सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए हमारी आखरत है। अगर हम अपनी आखरत को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी? एक तो ये कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, अपनी सारी ज़िंदगी शराफत से गुजारनी है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक करना है,
और अपनी अजवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी बीवी बच्चों के साथ आपने ऑनेस्टली तरीके से चलना है, उनको प्यार करना है, उनको हौसला देना है और उनके लिए आपने हक हलाल कमा कर उनको खिलाना है। और आपके लिए दुनिया उस वक्त जन्नत बन जाती है जब आपसे आपके पेरेंट्स राज़ी होते हैं। आपके पेरेंट्स कैसे राज़ी हो सकते हैं? डेफिनेटली पेरेंट्स कि हम लोगों को खिदमत करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना पड़ेगा। देखें, जब हम लोग छोटे होते हैं तो पेरेंट्स हमारी हर ख्वाहिशात को पूरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके, क्योंकि हम लोग बच्चे होते हैं। और जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और हम बड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनका माइंड भी बच्चों की तरह हो जाता है। तो हमारा भी हक बनता है उनकी हम हेल्प करें, उनकी हर ख्वाहिशात को पूरी करें जो कि वो हमसे कहते हैं, हम लोग खुद गर्ज ना बने। तो बात ये हो रही थी कि हम लोगों ने अपनी ईद के साथ साथ जो दूसरे गरीब और मुफलिस लोग हैं उन लोगों की ईद को भी बेहतर बनाना है, और बेहतर कैसे बनाना है, उनकी हेल्प करनी है। और हेल्प जितनी हमसे हो सके, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हेल्प करें, जितनी हम लोग अपनी तौफीक के मुताबिक हेल्प कर सकते हैं वो हम लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। तो हेल्प करने से क्या होगा, एक तो हमें दिली सुकून मिलता है, हमारा ज़मीर मुतमईन होता है और अल्लाह ताला राज़ी होता है। क्योंकि कुरान पाक में एक जगह इरशाद होता है कि तुम मेरे बंदों पर रहम करो और मैं तुम पर रहम करूँगा, जो कि हकीकत है। अगर हम बंदों को राज़ी कर लेंगे दुनिया के अंदर, बंदों के हकूक़ को पूरा कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान मरता है तो अगर तो वो बंदों के हकूक़ पूरे नहीं कर सका तो उसकी बख्शिश नहीं होती जब तक के बंदे उसको माफ़ ना कर दें दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला अपने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं वो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, हमारा खालिक व मालिक है। लेकिन अगर जो बंदों के हकूक़ हैं वो अल्लाह ताला हमें कभी नहीं माफ़ करता है। अगर बंदे हमें माफ़ कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी वजह से हम लोगों को अपनी लाइफ में उन लोगों को ज़रूर देखना है जो कि अच्छी लाइफ के लिए डिज़र्व करते हैं, जो कि किसी वजह से गुर्बत में बेचारे सारे ज़िंदगी हैंड टू माउथ होते हैं, तो उन लोगों की हेल्प करनी है, उन लोगों के बच्चों की हेल्प करनी है। क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी एक फैमिली का अच्छा फ्यूचर बन गया तो वो हमारे लिए हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की जो बात है आपको समझ आ गई होगी और आप लोगों ने जितना हो सके ये कुछ ना कुछ लोगों को सपोर्ट करनी है। मैं भी करूँगा, आप भी करें और इंशाल्लाह दूसरे लोग भी करेंगे जो मुझे मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बात समझ आ जाए, हमारा मैसेज पहुँच जाए। और एज ए मुस्लिम भी हम लोगों का ये सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस मेरी आप तक बहुत जल्द सबसे पहले पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।